वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जनाब। कितनी देर से फिशिंग कर रहे हैं आप? तकरीबन 15-20 साल से पहले। कहाँ से तलक रखते हैं आप? शाहपुर क्षेत्र। तो कितनी सुबह की आपने मछलियाँ पकड़ी हैं? सुबह की कोई 2 किलो पड़ी है। आपका काम यही है, पेशाब का यही है? कितनी देर से ये काम कर रहे हैं जी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की जड़ा ना कुछ निकले लाभ ही आता कुमार। तो सुबह से आप लोग आए हुए हैं? सुबह से। कितने लोग हैं आप? आप मैं कल ही आती हूँ। तो कितनी जो आपने मछलियाँ पकड़ी है? वो 2 किलो 2-2.5 किलो मछली पड़ी है। तो ये किधर सेल करते हैं आप? ये शाहपुर से। शाहपुर सेल करते हैं? देसी मछली हो जो पाल मछली है, इसमें तो क्या फर्क होता है? देसी मछली जड़ी है फार्मी है, तो फिर फार्मी है ना, देसी की क्या? फार्मी का क्या रेट है? फार्मी मेरे ख्याल से कुछ 400-500-600 रुपए किलो देते हैं। ये जो है मछली ये 800 रुपए किलो देते हैं। तो ये आप शाहपुर देते हैं, कौन सी दुकान पे देते हैं अगर किसी ने लेनी हो? नहीं, वो मतलब एक दुकान नहीं है, अपने आप जिसे मर्जी दे हड़ो, कोई मसला। तो देसी मछली में कौन कौन सी नस्ल होती है? देसी मछली में गलफाम है, मली है, सींग है, सोल है। तो फार्मी में? फार्मी में भी गुलफाम, मोरी और चाइना ग्रास जैसे मछली। तो इधर पंजाब में सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल पाई जाती है मछली? इधर पाते हैं बहुत ही ज्यादातर रोहू या फिर ये कौन कौन सी है? ये जी ये ढोड़ा मछली है, एक पालू मछली है, एक चिड़ा मछली है। निकाल के जरा थोड़ी सी बाहर दिखाएं आप। हाँ जी दिखा देगा। और ये जो डोला है ये भी डोला वाला है, ये पालू है, पालू और सब तो खूबसूरत मछली भी आई। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पालू। पालू? हाँ जी। ये वो नलाखी है, ललाई है जो जो कंडा लगाती है बंदे को। ललाई कौन सी है? ये नलाई है। ये हाँ जी ये नलाई है, इस वास्ते के ये जो कंडा लगाती है ना बंदे को जी, तो सर जरा ना ये बुखार चढ़ देती है, बुखार चढ़ देती है जनाब जरा ना, ये बहुत खतरनाक मछली होती है। कहते ने कि इनू खा के बंदा दूध ना पियो, तो अगर दूध पिएगा तो दूध पीने का क्या नुकसान है? यानी कि बहुत नुकसान होएगा, यानी कि मेदे में मेदा भी जलन वगैरह उजड़ा ना, यानी कि उठ जाएगा। अच्छा ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਸ ਕੋ ਕਿਲੋ ਕੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, इसमें एक कंडा भी एक ही है। ये कौन सी है? ये डोला है, ये डोला है और ये चिड़ा है, ये वाली है मोरी है। ये जो ये आपको दिखाया है कि ये बहुत खतरनाक जहरी मछली है, इसमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, दूध जड़ी चाह भी नहीं पीनी चाहिए। तो आपको नहीं ये इसने काटा? नहीं नहीं मैंने इसका कांडा काट दिया ना, आ देखो ना कांडा है, ये भी ये लग जाए ना माड़ा जावे तो फिर भी बुखार चढ़ देती है। ऐसी चीज इतना आसान काम नहीं है जी। ना ना जी इतना आसान नहीं है काम। ठीक है जी। हां दो चीजें पाए। तो सर इधर मछलियां पकड़ने पर कोई बैन वगैरह पाबंदी वगैरह है कोई? जी हां। अगर वैसे कोई यहां पे पकड़ना चाहे तो उसे नहीं पकड़ने देते? नहीं वो पकड़ना, आप परमिशन से लगे होंगे। तो इधर पंजाब में कौन सी जगह पे ज्यादा मछली पाई जाती है? गुजरात में सतरपुरे में पाई जाती है, दरिया चढ़ा दरिया चढ़ा वहाँ पे कौन सी मछली ज्यादा पाई जाती है? उसे ज्यादातर पाई जाती है बूश हो गया, माशर हो गया, ये सोल हो गई, ये गुलफाम हो गया या फिर मोरी हो गई, ऐसी हो गई। तो किस महीने में ज्यादा मछली पाई जाती है? अच्छा सियाल में, सियाल में सर्दी में दिसंबर के नवंबर के महीने में। उसके बाद कौन से महीने हैं जब ये मछली नहीं पकड़ी जाती? ये जो गर्मी का महीना है ना, ये बात सही है कि जो अंग्रेजी के जो महीने हैं जिस महीने में रे लगता है उस महीने में मछली खाई जाती है, जिस महीने में रे नहीं
जैसे मार्च है मार्च में रही है, अप्रैल अप्रैल में रही है, तो जिस महीने में रे नहीं है उस महीने में आप मछली नहीं पकड़ सकते। ये बात ठीक है, जुर्म है का अंडा है तैयार करना, बच्चा तैयार करना। तो कौन सी जगह है ये? ये तो ऐसा हुआ कभी आपने मछली पकड़ते हुए आपको कोई सांप वगैरह या कोई और कोई चीज आ गई? बड़ा कुछ नजर आता है जनाब। ये फिर इसको नाल बलेड कर मार देते हैं ना, छोटे ला के मार देते हैं। आपका तो आपने मालूम दी, ठीक है।